आज एक बार फिर हम आपको रैन बसेरा में लेकर आए हैं, शहरी बेघर के लिए आश्रम, यानी कि वो लोग जो बेघर हो चुके हैं, दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं, वो यहाँ लाए जाते हैं और उनका अच्छे से उनके ट्रीटमेंट किया जाता है, उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाती है। क्योंकि आए दिन आपने भी देखा होगा कि हम अक्सर यहाँ आते हैं और हमने हमारी तरफ से भी कुछ लोग जो बेघर हो गए होते हैं और हम उनका जब कवरेज करते हैं तो यहाँ पर यहाँ से कुछ लोग जाते हैं और उन्हें अपने पास यहाँ पर ले आते हैं और उसके बाद हमने उनका फीडबैक भी लेते हैं, यहाँ पर आके देखते भी हैं कि उन लोगों को किस तरह से जो है रखा जा रहा है, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या सब बेहतर है या नहीं है, वो भी आपके सामने हम वीडियोज़ लेकर आते हैं। लेकिन आज हमारा आने का यहाँ मकसद कुछ और है, यानी कि आज यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो मेंटली कहीं ना कहीं ठीक नहीं होते हैं या कहीं बेघर हो गए होते हैं काफ़ी देर से, उनको कुछ ना कुछ जो बीमारी होती है वो भी उनकी दवाई इसके साथ ठीक हो जाए। साथ में कुछ लोग जो बाहर से आना चाहते हैं, कहीं से भी आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ देख सकते हैं जागृति महिला उद्योग केंद्र और साथ में ही डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जम्मू, और ये सभी डॉक्टर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ यहाँ जो लोग रह रहे हैं इस रैन बसेरे में, बल्कि जो लोग बाहर भी हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इनको यहाँ से जो भी इनको प्रॉब्लम है यहाँ पर पूछी जा रही है, उसी चीज़ को देखते हुए, उसी चीज़ के मद्देनज़र उनको उसी चीज़ की दवाई जो है वो दी जा रही है। हम यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मंजूंदलाल। मैम, किस तरह से यहाँ पर जो मेडिसिन है, क्या क्या मेडिसिन यहाँ पर रखी गई है और किस तरीके से कैंप जो है आपका लगाया जा रहा है? यहाँ पर हम इम्यूनिटी बूस्टर के लिए पेशेंट्स को दे रहे हैं और जिनको इम्यूनिटी बूस्टर के अलावा भी जो पेशेंट को प्रॉब्लम है वो भी हम दे रहे हैं मेडिसिन, और काफ़ी पेशेंट हमने देखे हैं यहाँ पर। तो मैं तो कहती हूँ कि हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये बहुत अच्छा है, और इससे क्या है कि जो कोविड है वो अभी भी है, ख़त्म तो नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का, ताकि हमें कोविड हो आगे हो ही नहीं। ये सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं ये आयुर्वेदिक है? प्योरली आयुर्वेदिक, नो साइड इफेक्ट। ओके ओके। तो अभी तक सुबह से कितने लोग आपके पास आ चुके हैं? 120 पेशेंट तो आ चुके हैं। ओके, ओके। किस तरह से, मतलब पहले भी आप कैंप लगाते रहोगे, इस तरह से कैसा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से आता है? क्योंकि आयुर्वेदिक अगर देखा जाए तो कहीं कहीं लोग जो है कम लोग आयुर्वेद की तरफ अब देखा जाए तो आते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा? नहीं, काफ़ी पेशेंट्स आए हैं, लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद ही हमें आयुष का दिया हुआ है कि आप सब, मतलब कोरोना के वक्त भी सारे मेडिसिन लोगों ने आयुर्वेदिक से आपको अपना इम्यूनिटी बूस्ट बनाया है, तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन जो है फिलहाल अभी यहाँ हमारे पास? अमृता रिष्ट है, सुभाष कुठार रस है, अणु तेल है, और खांसी के लिए ये सीतोपलादी चूर्ण है, और षडबिंदु तेल है। ये आज ही कैंप रहेगा या कब तक रहेगा, कितने समय तक ये रहेगा? अभी तो रहेगा फिलहाल, अभी हम बैठे हैं अभी तो रहेगा। हाँ जी। तो ये कोई एज ग्रुप भी है जो आना चाहे या इसमें कोई एज ग्रुप? ऑल एज ग्रुप्स। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर आ सकता है, किसी को भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो यहाँ आ सकते हैं। आयुर्वेदिक यहाँ पर ये सारी दवाइयाँ हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। हम यहाँ पर मोना जी, इनसे ही बात करते हैं। मोना जी, जो लोग रह रहे हैं उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी आपसे जानना। सर, अभी तो जहाँ जितने लोग चल रहे थे आज कैंप लगा है, उससे पहले जैसे उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम उनको हॉस्पिटल लेकर चलते थे। एक यहाँ पे लेडी से उसका पेट खराब ही रहता था, तो उनको हमें हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट दिया है। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं अभी तो भगवान की दया से सब ठीक ही हैं। जहाँ तक रैन बसेरे का सवाल है, जहाँ जो डिफरेंट जगह से जो रेस्क्यू करके जहाँ पर लाएगा, आप देख रहे हैं जो कोई बेचारा लगड़ा है, जो होमलेस हैं, ये उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं के लिए बना हुआ है। और इनको जो कोई भी दुख तकलीफ होती है, मैडम वीना बख्शी जी जहाँ मैनेजर हैं इसको हाउस में रखो, इनके जे भी मेंबर हैं और मैं भी एज ए मेंबर मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर होने के नाते, वो जहाँ का लोकल कॉरपोरेट होने के नाते, जहाँ इन लोगों की कोई भी तकलीफ हो, हर तकलीफ को हम उसके लिए मतलब तैयार रहते हैं। ये कितनी बार मैडम इनको देते हैं, मतलब हमारे कितने बार इनको मैं हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, कोई भी इनको तो किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो हमारी ये पूरी टीम है उसके लिए तैयार रहती है। चलिए, शुक्रिया सर। यहाँ पर मैम भी है, इन्हीं से बात करते हैं। मैम, आप पर बहुत बड़ा दायित्व रहता है इतने लोगों को संभालना, टीम को लेकर आगे चलना, सफाई का भी ध्यान रखना, उनकी सेहत का भी ध्यान रखना, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं आपके कंधों पर ही है, तो किस तरह से आगे वो लेकर आप चल रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया जो हमारे यहाँ पे रैन बसेरा में आए, और मैं धन्यवाद करती हूँ, आप हमारे साथ हो, सभी हमारे साथ हैं,
कि अकेले तो मैं चला नहीं पाऊँगी, आप होंगे तो रैन बसेरा भी चलेगा। तो सबसे मैं पहले ये कहती हूँ कि जो जहाँ पे हमने रेस्क्यू करके लाए हैं या कैसे भी लाए हैं, जो कुछ लोग खुद भी आए हैं, तो वो अलग अलग तरह के लोग थे, उनके लिए मुझे मेडिसिन लाना ज़रूरी थी। पहले मुझे ऐसे होता था कि मुझे इनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे खुद हॉस्पिटल लेके जाना था। तो अब मैंने फिर डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं हम जहाँ पे कैंप लगाएंगे और इनको भी बेनिफिट हो जाएगा, आसपास लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और बाहर अगर देखा जाए तो एक बोर्ड बाहर भी होना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पर पता चल जाए। और 8 मार्च की बात की जाए तो इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है, तो यहाँ महिलाएँ भी हैं। 8 मार्च के लिए महिलाएँ सशक्तिकरण की बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, और आप देख सकते हैं महिलाएँ ही इस रैन बसेरा को चला रही है और यहाँ पर डॉक्टर्स भी हमारी महिलाएँ भी हैं, महिलाएँ ही हैं। तो आप सभी को आने वाले इंटरनेशनल डे की, वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और इनका जिस तरह का प्रयास है वो आगे चलता रहे, और जो भी लोग बेसहारा हैं, बेघर हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हैं, तो उनका ज़रूर सहारा बनिए और इनका साथ भी ज़रूर दीजिए। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।